अगर आप भागवत पाठ करते हैं तो, अगर भागवत पढ़ना नहीं आता तो कम से कम भागवत के पुस्तक को, ग्रंथ को रख के प्रणाम किया करो, पूजा किया करो। आपके घर में नकारात्मक एनर्जी प्रवेश नहीं करेंगे। भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। आज इसी ग्रंथ को सुनकर के प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हुआ, भगवत धाम चला गया। तो उसके बाद में धुंधकारी जैसे गया, वहां श्रोतागण उपस्थित हैं। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा, कथा तो सबने सुने लेकिन किसी एक के लिए ही विमान क्यों आया? सबके लिए आना था, जितने लोग बैठे थे सबने भागवत सुन लिया। तब भगवान के पार्षद बोले, महाराज कथा तो सबने सुने लेकिन जिस प्रकार से धुंधकारी ने श्रवण किया उस प्रकार से किसी ने नहीं सुना। धुंधकारी कथा सुनता था और रात में चिंतन करता था, लेकिन जितने लोग बैठे थे कथा तो सुनते थे, रात में चिंतन नहीं करते थे। पंडाल से बाहर निकलते ही सारी बातें भूल गए। अगर आप लोग भी चाहते हैं भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करे, तो जो कथा सुनते हैं ना, यहाँ जो सुन के जा रहे हैं उसका चिंतन अवश्य करिएगा। पंडाल से बाहर निकलने के बाद दुनिया की चर्चा को मत करिए। किसी का आदत होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कथा पंडाल में केवल इसलिए जाते हैं, पड़ोसी भी जा रहे हैं, कौन कैसा वस्त्र पहन के आ रहे हैं देखने को मिलेगा, इस भाव से पंडाल में जाते हैं। देखो, कभी भी आपके जीवन में साधु संत आए, आपको उपदेश दे, तो उस समय उपदेश पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग दुनिया की चर्चा तो करते हैं, कभी कोई साधु संत मिले तो उनसे ये सवाल मत करिएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कितने भाई बहन हैं, क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं। दुनिया की बातों से आपको क्या मतलब? संत मिले तो उनसे बस यही पूछो, कुछ ऐसा साधन बताइए जिसे करने से भगवान मिल जाए। भगवान की प्राप्ति कैसे हो, कैसे मन को प्रभु चरण में लगाए, ये सवाल करना चाहिए। कथा से बाहर भी जाइए तो चर्चा कथा की करिए।